माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटरों की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की एक खास सीरीज। आज हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। पिछले वीडियो में हमने एक डायग्राम पढ़ा था जिसमें हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात की थी, जिसमें क्षमता एवं आकार के आधार पर या आकार एवं क्षमता के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी के आधार पर पहला माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था। फर्स्ट की बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। ये उपयोग करने में आसान होते हैं व उपयोगकर्ता के लिए फ्रेंडली होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर की संग्रह क्षमता या मेमोरी कैपेसिटी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। प्रोसेसिंग स्पीड इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप वास्तव में एक पूरी सीपीयू होती है। जो एक छोटी चिप पर समा जाती है। इन कंप्यूटर का आकार इतना छोटा होता है कि एक मेज पर आसानी से रखे जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर घरों में व दफ्तर विद्यालय की कक्षाओं में लगाए जाते हैं। यह बात थी माइक्रो कंप्यूटर की। अब हम माइक्रो कंप्यूटर की सीमाएं देखते हैं या लिमिटेशन। इसकी पहली सीमा थी एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। कार्य करने की क्षमता कम होती है और तीसरा समय अधिक लगता है एवं संग्रह क्षमता कम होती है या स्टोरेज क्षमता कैपेसिटी कम होती है। यह था माइक्रो कंप्यूटर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं ऐसे ही कंप्यूटर के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे हम मिनी कंप्यूटर की। तो देखते रहिए मेरे साथ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की एक खास सीरीज। धन्यवाद।